आइए प्रार्थना करते हैं। परमपिता तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच हैं, अपने लोग के ऊपर अंदर साथ हैं, इनके मनों को तैयार करें वचन के लिए, कि आज आपके वचन का अविनाशी बीज इनके मनों में, इनके मन की आत्मिक भूमि में ऐसा बो दिया जाए कि अविनाशी बनते जाएं, अनंत जीवन के लिए तैयार होते जाएं, उद्धार में बढ़ोतरी करने पाएं। पवित्र आत्मा आइए अपने दास के अंदर होकर अपने लोगों को वचन की शिक्षा दें। पवित्र आत्मा आए अपने दास के अंदर होकर अपने लोगों को वचनों से सिखाएं। एक एक शब्द, एक एक बात जो आपके दास के मुख से निकले, वो आपकी ओर से आपके लोग के लिए, और आपके सब लोग वचनों को सुने समझे, अपने जीवन में लागू कर शांति, आशीष, आनंद, चंगाई, छुटकारा, शराब बंधनों से आजादी को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा आइए आगे की सारी सभा में आपकी अगुवाई, परमेश्वर आपकी रजामंदी को मांगते हैं। धन्यवाद सहित प्रार्थना मांगेंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। मिलकर बोलो एक ही आवाज से आमेन, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल खोलो अपनी अपनी, और बाइबल की पहली बुक में आओ, उत्पत्ति में। जो ये उत्पत्ति है जेनेसिस, इसका मतलब होता है उत्पन्न होना, एक शुरुआत होना, एक नई शुरुआत होना। तो अब आज हम जो सीखेंगे उसको लिखो धर्मी जीवन। धार्मिकता का जीवन हम सीख चुके हैं, ये धर्मी जीवन क्या है वो आज सीखते हैं। आप लिखो पहले, आज के सर्मन का टीचिंग का टॉपिक है धर्मी जीवन, राइचियस लाइफ, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं राइचियस लाइफ। अब ध्यान से सुनो, किस किस को पता है कि सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति के अंदर ही एक अध्याय का एक वचन है कि आदि में, यानी कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की, और कुछ बाइबल्स में लिखा है आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब ये नहीं है कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले स्वर्ग नहीं था, आकाश नहीं था, पृथ्वी थी पर रहने लायक नहीं थी, स्वर्ग था पर वो वाला स्वर्ग नहीं था जो आज जहां पे अब्राहम मौजूद है। समझ रहे हैं? तो बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने शुरुआत के अंदर उत्पत्ति की, क्रिएशन की, द जेनेसिस, जहां से शुरुआत हो, उत्पत्ति जहां से शुरू हुई, वहां पे लिखा कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि एक साथ करी, यानी कि पृथ्वी को मनुष्य के रहने लायक बनाया। और जब परमेश्वर ने बनाया था पृथ्वी पे, सिर्फ एक मनुष्य को बनाया, आदम को, और उसके अंदर से उसकी एक पसली लेके उसके लिए लाइफ पार्टनर हवा को बनाया, उनको अदन की वाटिका में रखा। पर जैसे ही उनके बीच अधर्म का प्रवेश हुआ था, परमेश्वर की नजरों में वो दोषी पाए गए, और जब वो दोषी पाए गए उनको अदन की वाटिका से निकलना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर को निकालना पड़ा। परमेश्वर ने शुरुआत से लेके अंत तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया व्यवस्था के साथ, पवित्रताई के साथ। परमेश्वर जो है कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करता, परमेश्वर जो है समझौता नहीं करता। जब कहीं अधर्म और पाप पाया जाए तो वो अधर्मी, पापी, दोषी पाया जाता है। ये शुरुआत में हुआ जब आदम हव्वा ने वो वर्जित फल खा लिया था, जो खाने को परमेश्वर जी ने मना ही दी थी, मना किया था। उसके बाद परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाला। उसके कुछ साल तक आदम हव्वा की जब परिवार आगे बढ़े, कैन हाबिल हुआ, फिर कैन ने हाबिल को मार दिया, फिर आगे आदम को परमेश्वर ने एक पुत्र दिया, उनके आगे और पुत्र पुत्रियां हुई, पृथ्वी पे कुछ जनसंख्या बढ़ती गई। पर क्या हुआ, जो फॉलन एंजल्स थे, जो दूत गिराए गए थे, वो दूत आकाश में रहा करते थे, और जब वो पृथ्वी पर आते थे वो देखते थे कि जो मनुष्य की पुत्रियां हैं, जो इंसान की बेटियां हैं, वो अति सुंदर हैं, और वो जिसको चाहते थे वो उसको ब्याह लेते थे। और उसी वक्त कहा गया, बाइबल में लिखा है कि उसी वक्त पृथ्वी पर दानव भी रहा करते थे, दानव, राक्षस। और कहा गया है, वहीं पे मेंशनड है
कि जब वो परमेश्वर के पुत्र यानी कि वो गिराए हुए दूत जो लूसीफर के साथ उसकी सेना गिराई गई थी, वो जब उतरते थे, क्योंकि उनको डिपिक्ट किया गया परमेश्वर के पुत्र, वो पुत्र जब पृथ्वी पर उतरते थे वो देखते थे कि जो मनुष्य की बेटियां हैं वो अति सुंदर हैं और जिसको चाहते थे ब्याह लेते थे, और लिखा है उनसे जो पुत्र उत्पन्न होते थे वो शूरवीर होते थे। समझ रहे हैं? तो जब इस प्रकार पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ती गई, कई लोग के मन में सवाल होता है कि सिर्फ आदम हवा से इतने सारी पॉपुलेशन कैसे हो गई थी, वो ऐसे हो रही थी। पर परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया, पृथ्वी पर इस प्रकार का अधर्म फैल रहा था, पाप फैल रहा था, गलत काम हो रहे थे, गुनाह हो रहे थे, और परमेश्वर पृथ्वी को देखकर, मनुष्य को देखकर लिखा है पछताया। तो जब बहुत सारे मनुष्य पृथ्वी पर थे, इतने सारे मनुष्यों के बीच में परमेश्वर को सिर्फ एक जन धर्मी मिला, एक जन धर्मी पाया गया जिसका नाम नूह था, इंग्लिश में नोहा कहते हैं। परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि अगर परमेश्वर की नजर में एक बार कुछ ऐसा आ जाए, परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ये हमने शुरुआत से देख लिया, समझौता परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर ने नूह को कहा कि देख, मैं इस पृथ्वी को देखकर, मनुष्य को देखकर पछताता हूं, क्योंकि ये घृणित हो गए हैं, इनमें पाप फैल गया है। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस सारी की सारी पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा मिटाने वाला हूं। उस समय तक जितना समय पृथ्वी की रचना के बाद बीत गया था, नूह तक हो गया था, उस जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने एकदम से एक्शन नहीं लिया, जैसे एकदम से एक्शन परमेश्वर ने आदम हुआ के खिलाफ लिया था। जितनी जनसंख्या बढ़ती गई, परमेश्वर ने देखा कि अधर्म पाप करते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे, गुनाह करते जाएंगे, उनको बचाने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने, वहां लिखा है कि मनुष्य की उम्र को सीमित कर दिया था, सिर्फ 80, 100 या 120 साल तक, कहते हुए कि अगर ये ज्यादा जिएंगे ज्यादा पापी होंगे, या पाप करने के चांस बढ़ेंगे, धार्मिकता के चांस कम हो जाएंगे, पाप करने के चांसेस बढ़ेंगे। फिर भी जब देखा परमेश्वर ने कि मनुष्य में कोई सुधार बदलाव नहीं आ रहा, परमेश्वर ने नूह से बात की और उसको कहा कि मैं इस पृथ्वी पर से मनुष्य को जल प्रलय के द्वारा नष्ट करने को हूं, पर तू और तेरा परिवार मेरी नजर में धर्मी जानने जाते हैं, मुझे तुम धर्मी लगते हो, तो इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि एक बड़ा जल प्रलय आएगा, और क्या मनुष्य, क्या जीव जंतु, क्या जानवर, क्या पक्षी, क्या पेड़ पौधे, क्या पहाड़, सब उस जल में नष्ट किए जाएंगे। तो उसको कहा कि तू एक बड़ा जहाज बनाना, जिसके अंदर तू और तेरा परिवार बचाया जाएगा, और हर एक जीव जंतु जानवर में से तू एक एक जोड़ा लेना। तो क्या हुआ, पृथ्वी पे अधर्म बहुत आसान था, उस वक्त पाप बहुत फैला हुआ था, नूह अगर चाहता वो भी अधर्मी हो सकता था, वो भी पापी हो सकता था, पर वो ये जानता था कि जैसा माहौल है, जैसा जमाना है, जैसा ट्रेंड है, वैसा मुझे नहीं बनना, मुझे इस खराब माहौल में, इस खराब बेकार जमाने में, इस बेकार के ट्रेंड में, जो अधर्म का है, जो पाप का है, जो परमेश्वर को छोड़ औरों को मानने का है, जो व्यभिचार का है, मैं इस माहौल में, इस जमाने में, इस ट्रेंड में अधर्मी नहीं बनूंगा, पापी नहीं बनूंगा, मैं परमेश्वर को छोड़ किसी और को नहीं मानूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं धर्मी रहूंगा। और उस समय नूह धर्मी पाया गया। परमेश्वर जो है वो आकर के नूह के अलावा किसी और को भी धर्मी बना सकता था, वो आकर के कह सकता था, कहलवा सकता था, वो पाप छुड़वा सकता था, वो भीतर होकर पवित्रताई में लेकर आ सकता था, पर जो खुद से, खुद की जिम्मेवारी से, खुद की मन की इच्छा से परमेश्वर के लिए जमाने को छोड़े, माहौल को छोड़े, ट्रेंड को छोड़े,
और परमेश्वर के वचन की ओर निगाहें लगाए, परमेश्वर की निगाहें उसी पर पड़ती हैं। हमने याद रखना आज ये बात, कोई भी कभी ना भूलना, हमने जमाने के साथ नहीं चलना, हमने ट्रेंड के साथ नहीं चलना, क्योंकि जो माहौल है वो आज भी पृथ्वी का अधर्म का है, पाप का है, गलत होने का है, गुनाहों का है। और आज के समय में हर तरह का अधर्म करना, पाप करना, गलत काम करना, बुरा काम करना, गुनाह करना बहुत इजी हो गया है, बहुत आसान हो गया है। आज के समय में व्यभिचार करना बहुत आसान है, नशा करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से सब कुछ उपलब्ध है। आज के समय में हमारे आसपास का माहौल खराब है, ये जमाना खराब है। जो आज के समय में ट्रेंड चल रहे हैं, ये दुनियावी ट्रेंड सही नहीं है। तो इस खराब माहौल में, इस बेकार जमाने में, इस अधर्म पाप गलती गुनाहों के ट्रेंड में हमने परमेश्वर की ओर निगाहें लगानी है, हमने उसके वचन की ओर निगाहें लगानी है, और हमने परमेश्वर के पीछे उसके वचन के अनुसार चलते चले जाना है। हमने इस बेकार माहौल में, इस बेकार जमाने में, इस खराब ट्रेंड में पवित्रताई में चलना है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के जो लोग हैं वो संसारिक नहीं होते, वो दुनियावी नहीं होते। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। आमेन। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में कोई शर्म ना करो। अगर कोई बड़ी बड़ी डींगे मारता है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, व्यभिचार हो करके, नशे के काम करके, नशेड़ी हो करके, अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है गुंडागर्दी करके, अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है किसी भी ऐसा पाप करके, वो बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा सा है। पर ऐसे लोगों की निगाहों में परमेश्वर के लोग छोटे पड़ते हैं, पर परमेश्वर की निगाहों में वो लोग जो ऐसे माहौल में, ऐसे जमाने में, ऐसे ट्रेंड में भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, वो सबसे बड़े हैं। आमेन। और उनको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर देता है। तो नूह के समय में तो बहुत आसान हुआ पड़ा था, बहुत अधर्म था, बहुत पाप था, बहुत गलत काम हो रहे थे, बहुत बुरे काम हो रहे थे, अरे बड़े बेकार के ट्रेंड चले हुए थे। पर नूह ने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी, नूह के परिवार ने परमेश्वर की ओर आंखें उठाई, और जैसा परमेश्वर चाहता था वो वैसे ही बने रहे। और जब सारी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने निगाहें घुमाई, परमेश्वर की नजरें नूह पर टिक गई। आप ऐसे बन जाओ कि परमेश्वर जब भी इस पृथ्वी पर निगाहें घुमाए, उसकी नजरें आपके ऊपर लगी रह जाए। परमेश्वर को अपनी ओर ऐसे आकर्षित करो। तो यहां पे देखो, उत्पत्ति 7:1 और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। ये कौन सा जहाज है? उस समय पर जल सचमुच में एक वास्तव में जहाज बनाया गया था, और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो खुदाई करके पहाड़ों में, खानों में, खदानों के अंदर प्राचीन चीजों को ढूंढते हैं, उन वैज्ञानिकों ने वो नूह का जहाज ढूंढ लिया है। कभी भी गूगल पे, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, आपको दिखेगा। परमेश्वर के वचन में जो है वो हुआ था, वो हुआ है, वो होता रहेगा। नूह ने जमाने को, माहौल को फॉलो नहीं किया, ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, परमेश्वर की निगाहें उसके ऊपर कैसे पड़ी। देखो, यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। परमेश्वर प्यार हर एक मनुष्य से आरंभ से करता है, और परमेश्वर ने सबकी ओर देखा भी था, पर नूह अपने घराने समेत परमेश्वर को धर्मी पाया, और परमेश्वर ने उसको बचाया। परमेश्वर ने उसको कहा था कि जो जल प्रलय आएगा उससे पहले तू जहाज बना ले, और नूह ने ही वो आर्क
वो जहाज बनाया था, और जो चिल्ड्रन एजुकेशनल बिब्लिकल बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उस समय तक वर्षा नहीं हुई थी, और बाइबल में भी लिखा है उस समय तक कभी बारिश नहीं हुई थी। अब सोचो, जिन लोगों ने कभी बारिश देखी नहीं, जिन लोगों ने कभी बारिश का तूफान नहीं देखा, बाढ़ नहीं देखी, क्या वो कभी भी इस बात को सुनकर मानते? नूह ने भी नहीं देखा था, क्योंकि उस वक्त तक बारिश हुई नहीं थी। पर परमेश्वर के लोग जो हैं उनको दुनिया के अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुसार चलना है। जब परमेश्वर ने नूह को कहा कि जल प्रलय आएगा, उसने एज इट इज मान लिया और उसने जहाज बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो जो मैं बता रहा था, जो चिल्ड्रन एजुकेशनल बिब्लिकल बुक्स हैं उसके उस थियोलॉजी के अनुसार, उस रिसर्च के अनुसार, जब नूह वो जहाज बना रहा था, उसके आसपास के लोग आकर के उसको पूछते थे कि तू ये क्या कर रहा है, तू ये क्यों कर रहा है, तू ये क्या कर रहा है, किसके लिए बना रहा है? तो वो अक्सर लोगों को हमेशा कहा करता था कि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि मेरी दृष्टि में ये संसार के लोग सब पापी हैं और अकेला तू और तेरा घराना धर्मी पाए जाते हैं, और मैं सारी पृथ्वी को जल प्रलय से, एक बड़ी जल पानी की बाढ़ से नष्ट करने वाला हूं, इसलिए तू जहाज बना ले कि जो कोई उस जहाज में जाएगा वो बच जाएगा। लोग हर रोज नूह की खिल्लियां उड़ाया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, जानबूझ के आकर के उसको रोज पूछते थे, उसको छेड़ते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। पर नूह ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसका विश्वास किस पर था बोलो, वो किसके पीछे चल रहा था बोलो, वो जमाने दुनिया ट्रेंड के अनुसार नहीं चल रहा था, उसको जो परमेश्वर ने कहा था उसने वो ही किया। आज भी ऐसा ही होता है, जब कोई अपने घर में से निकलकर परमेश्वर की ओर आता है, चर्च में आता है, परमेश्वर को विश्वास में ग्रहण करता है, चर्च में जुड़ता है, उसके घर के लोग, उसके पड़ोसी, उसके जानकार, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार उसको बहुत छेड़ते हैं, उसको बहुत कुछ बोलते हैं, उसका बहुत मजाक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी नादान है, उनको नहीं पता सच्चा परमेश्वर कौन है, उनको परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं पता, उन्होंने अभी परमेश्वर की महानता नहीं देखी है। आप कभी भी किसी की ऐसी बातों में मत आना, कभी भी किसी के साथ ऐसी बात पर बहस मत करना, क्योंकि वो नादान है, वो नहीं जानते हो क्या कर रहे हैं। जैसे नूह जानता था परमेश्वर ने उसको क्या बोला और परमेश्वर क्या करने को है, उसके आसपास के लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने क्या आने वाले समय में करना है। नूह अपने काम में लगा रहा, नूह ने इधर उधर नहीं देखा, नूह किसी की बातों में नहीं आया, नूह उस काम में लगा रहा जो उसको परमेश्वर ने दिया। उसने लोगों को उकसाया भी कि तुम भी बच सकते हो क्योंकि परमेश्वर भला है, पर किसी ने अपने आप को नहीं बदला, सब मजाक बनाते गए। तो वो दिन आया जिस दिन से जल प्रलय की शुरुआत होनी थी, और नूह और उसका घराना उस जहाज में प्रवेश किया, और जैसे जैसे जोड़े बना करके जानवरों को परमेश्वर ने नूह को उस जहाज में लेने को कहा था, उनको लिया गया, और लिखा है तुरंत परमेश्वर ने खुद उस जहाज का दरवाजा बंद किया और बारिशें शुरू हुई। 40 दिन रात बारिशें होती रही और लोग उस जहाज की खिड़की दरवाजों पर नूह को आवाज लगाते रहे कि हमको भी बचा, पर वो कहता रहा कि मैंने तुमको कहा था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब ये द्वार परमेश्वर ने बंद किया है, और जिस चीज को, जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद कर दे उसको कोई और खोल सकता है क्या? दरवाजा नहीं खुला और पृथ्वी नाश की गई। लिखा 40 दिन रात ऐसी बारिश हुई कि पृथ्वी पर कुछ भी ना दिखा उसके बाद, और 150 दिन तक जल पानी बाइबल में मेंशन है, 150 दिन तक
पानी नहीं उतरा था। उसके बाद जब पानी उतरा, एक नई शुरुआत हुई। और उसके बाद परमेश्वर ने ये वाचा बांधी कि मैं दोबारा इस पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा। तो जैसे उस समय पे नूह की खिल्लियां लोग उड़ाते थे, उसका मजाक लोग उड़ाते थे, आज के समय में लोग हमें भी टोक सकते हैं, हमें भी बोल सकते हैं, हमारा भी मजाक बना सकते हैं। पर याद रखो, एक दिन बाइबल में क्या लिखा है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोले कि यीशु ही प्रभु है। आपके घुटने टिक गए परमेश्वर के आगे, आप अपनी जुबान से खुद की मर्जी से बोल रहे हो, पर जो नहीं टेक रहे हैं मौका मिलने के बाद भी, जो नहीं बोल रहे हैं रास्ता खुलने के बाद भी, उनको टेकने पड़ेंगे, उनको बोलना पड़ेगा। वो दिन आएगा जो आपको टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, वो यहीं आकर के घुटने टेक के बोलेंगे कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर ने हमको चुने एक अलग सोच विचार बनाने के लिए, परमेश्वर ने हमको चुने एक अलग बोल बाणी बनाने के लिए, परमेश्वर ने हमको चुने एक अलग चाल चलन चरित्र जीवन बनाने के लिए, जीने के लिए। परमेश्वर ने नूह को देखा, वह धर्मी पाया गया, उसको काम मिला कि तू जहाज बना और उस जहाज में सिर्फ तू जा। जब वो जहाज बन रहा था, अगर उस समय पे भी कुछ लोग अगर मान लेते कि हाँ परमेश्वर है और वो नहीं चाहता हम पाप करें तो बचाए जाते। इस चीज का प्रूफ है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, जब वो मारे गए थे, बाइबल में लिखा है जब उसको दफन किया गया उस रात वो नरक में गया उन लोगों को वचन सुनाने, जिन लोगों ने नूह के समय पर परमेश्वर की बात को नजरअंदाज किया था। लिखा है, क्लियर पढ़ लो, उनको बताने गया था प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मुहा, यीशु मसीह उसी रात नरक में होकर के आया, नरक में जाकर के शैतान के मुंह पे जाकर उसको चेतावनी दे गया, चेतावनी दे गया कि अब मेरे लोग नहीं मरेंगे, अब मेरे लोग जिएंगे। उसके बाद यीशु मसीह तीसरे दिन मोरों में से जी उठा। यीशु मसीह ने शैतान का सिर ऐसा कुचला कि अब तक कुचला हुआ है, अब शैतान बिना सिर के घूम रहा है, लोग के जीवन के अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। पर नूह के समान धर्मी बनो, नूह के समान पवित्र बनो, जमाने माहौल को ट्रेंड को छोड़ो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के परमेश्वर को फॉलो करो और शैतान के बारे बकी पुचे कुचे शरीर को नष्ट कर दो। यीशु मसीह ने सिर कुचल दिया, बाकी शरीर हम उसका कुचलेंगे। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने उसका सिर कैसे कुचला, उसने अपने पिता की आज्ञा को माना कि तू क्रूस पर चढ़ जा। अरे वो पिता की आज्ञा मान रहा था, वो क्रूस पर चढ़ा, शैतान का सिर कुचला गया। आप भी जब पिता की आज्ञा मान रहे हो, धार्मिकता को अपना रहे हो, धर्मी बन रहे हो, आप भी शैतान को कुचल करके आगे बढ़ जाओगे अपने जीवन में, वो नहीं आ पाएगा अब आपके पीछे। जैसे नूह का लोग मजाक बनाते थे, आपको भी बहुत परसिक्यूशन फेस करना पड़ सकता है, आपको भी सताव फेस करना पड़ सकता है, आपको भी सताव में से होकर सताव सहन करते जाना पड़ सकता है। पर याद रखो, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। जो धर्मी है वो वही है वो जो सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलता है। जो धर्मी है वो वही है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में चलता है। वो आसपास के लोग के कहने के अनुसार, वो चल रहे जमाने के अनुसार, वो चल रहे माहौल के अनुसार नहीं चलता है। बोलो हालेलुया। किस किस को समझ आ रही है आज मेरी बात? आप लोग जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, आप लोग भी अब अपना जहाज तैयार कर रहे हो।
नूह को परमेश्वर ने कहा, वो जहाज बनाने में लग गया और वो जल प्रलय से बच गया। सुनो, परमेश्वर जानता था कि कोई और नहीं मानेगा, इसलिए उसने आके सिर्फ नूह को कहा, और नूह को जो जहाज बनाने को कहा था वो उसके खुद के घराने के लिए कहा था, किसी और के लिए नहीं कहा था। परमेश्वर जब जानता है कि बचना ही अगर नूह ने, क्या वो स्वर्ग से जहाज नहीं भेज सकता था? बोलो, वो भेज सकता था, पर खुद के उद्धार के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए नूह को जो परमेश्वर ने काम दिया वो काम में लगा रहा। अब आपको परमेश्वर ने बुला लिया, चुन लिया, नियुक्त कर लिया, अब आपको सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना, उसी पर विश्वास करना है, उसको जीवन दे दो। आपने अपने जीवन में धार्मिकता को बनाना है, ये धार्मिकता का जहाज बनाना है जो इस संसार की विपत्तियों से, आपदाओं से, समस्याओं से आपको बचा के रखेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्मी और उसका वंश आशीषित होगा। तो जैसे नूह को बहुत लोग छेड़ रहे थे, आते जाते उसका मजाक बना रहे थे, आपको भी जो लोग छेड़े, मजाक बनाए, सताए, उनको आने दो, बोलने दो, चले जाने दो, वो आप लोगों की ब्लेसिंग को देखेंगे और हैरान हो जाएंगे, आप लोगों के फलवंत जीवन को, फ्रूटफुल लाइफ को देखेंगे और रोएंगे कि हमने इनका मजाक क्यों बनाया, हमने इनको क्यों सताया, अरे हम इनसे वचन सीखते, हम चर्च जाते, आज हम भी इनके जैसे बड़े घर में रह रहे होते, आज हम इनके जैसे गाड़ियों में घूम रहे होते, आज हमारे बच्चे भी इनके बच्चों जैसे तरक्की कर रहे होते। लोग देखेंगे, हैरान होंगे, लिख के ले लो, लिख के अपना जहाज बनाते रहो। धार्मिकता का जीवन जियो, वो जीवन जो परमेश्वर देखना चाहता है वो धर्मी जीवन है, वो राइचियस लाइफ है। आइए पढ़ो इसको, भजन संहिता 34 अध्याय 15 और 17 तक पढ़ते हैं। हाँ जी, कोई पढ़े, ध्यान से सुनेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय 15 वचन सब ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी पढ़ो। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब बोलो हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, कह रहे जो यहोवा है उसकी आंखें धर्मियों पर लगे रहती है। धर्मी क्यों बने? परमेश्वर जो है वो हर समय पृथ्वी को निहारता है, परमेश्वर के पास कोई और काम नहीं है। परमेश्वर कहां व्यस्त है, कहां बिजी है? अरे इस पृथ्वी पर जीने वाले लोगों को देखने में, और उन लोग के ऊपर जब वो निगाहों को, नजरों को घुमाता है, उसकी निगाहें, नजरें धर्मी पर आके रुकती है। और क्या लिखा है? यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती है। तो कहां रुकी आंखें? आगे। कहां आगे रुकी आंखें परमेश्वर की? धर्मी पर। क्यों? कह रहे और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो जो धर्मी बनता है, जो धर्मी जन होता है, जो धार्मिकता का जीवन जीता है, यहोवा की आंखें उसके ऊपर आकर के टिक जाती है। और आगे लिखे उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, फिर यहोवा सुनते है दुहाई को, जो वो प्रार्थना में बोले उसको सुनता है, जो वो मनी मन परमेश्वर को बोले वो उसको सुनता है, जो आते जाते, उठते बैठे, सोचे मन में, जांचे मन में, मांगे प्रार्थना में, बोले प्रार्थना में, मांगे चर्च में, रिसीव करे, यहोवा सुनता है। जिसकी ओर परमेश्वर आगे खड़ा हो गया उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कुछ भी नहीं कोई उखाड़ सकता। वो ऊंचा ही उठता जाएगा क्योंकि उसकी ओर कौन है? यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु है। उसकी फेवर में कौन है? नूह के ही वंश से सारी पृथ्वी आगे बढ़ी। नूह के वंश में से ही अब्राहम हुआ, और जो उसके बाद परमेश्वर की निगाहों में सबसे ज्यादा धर्मी पाया गया
वो अब्राहम पाया गया। और मैं आपको बता दूं, अब्राहम जो था उसका पहला नाम अब्राम था, अब्राम, अब्राम। परमेश्वर ने जब उसको ब्लेस कर दिया था, जब उसको कहा था कि तू अपने अपनी पत्नी को ले, अपने पिता के घर घराने कुटुंबियों को छोड़ और वहां चला जा जहां मैं तुझे लेकर के जाऊंगा, यानी कि जब उसने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, परमेश्वर ने उसको और ब्लेसिंग दे दी थी और उसका नाम अब्राहम कर दिया था। क्या कर दिया था, ये भी लिख लिया करो, पहले क्या नाम था, अब्राम। परमेश्वर के द्वारा ब्लेस होने के बाद क्या हो गया, अब्राहम। आपको पता है जब वो अब्राम था वो तब भी धर्मी था, और वो ऐसा धर्मी था वो एक अकेला कुछ सैकड़ों योद्धा को लेकर के बड़े बड़े युद्ध जीत के दूसरे राजाओं से अपने परिवार के बंदियों को छुड़वा के उनको लूट के ठीक ठाक वापस आया था। और आते ही वो राजा मलकीसदेक के पास गया जो परमेश्वर का याजक था। अब देखो जो इंसान के साथ परमेश्वर है, क्योंकि वो धर्मी है, वो अब्राम वो धर्मी था, यहोवा उसकी ओर रहा, वो युद्ध जीत के अपने परिवार के उस जनों को छुड़ा के उन राजाओं को हरा के उनको लूट के वापस आया है, उसको पता है परमेश्वर मेरी ओर है इसलिए मैं जीतूंगा। वो जीत के आ भी गया, और आते ही राजा मलकीसदेक जो खुद परमेश्वर का सेवक दास था, याजक था, उसने आते ही सारे इकट्ठे किए धन का उस परमेश्वर के दास को दशवांश दिया। जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा, जो धर्मी है वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा परमेश्वर के वचन को फुलफिल करने का। वो जीत के आया, आते ही याजक मलकीसदेक को उसने दशवांश दिया। क्या दिया, आप सोचो, जिसकी ओर परमेश्वर पहले से है, जो जीत के आया है, वो ये भी सोच सकता है मुझे दशवांश देने की क्या लोड है, मुझे दशवांश की क्या जरूरत है, मैं क्यों दूं, मेरे साथ तो यहोवा है। पर उसको पता है कि मैंने अभी परमेश्वर की फेवर और लेनी है, मैंने परमेश्वर की तरफदारी और लेनी है, मैंने परमेश्वर की ब्लेसिंग आगे और लेनी है। अभी मैं जीत के आया हूं, अगली बार मैंने और बड़ी जीत हासिल करनी है। उसने आते ही परमेश्वर के वचन को फॉलो किया और मलकीसदेक याजक को दशवांश दिया। आज बड़े सारे लोग हैं, उनके जीवन में सब कुछ परमेश्वर ने भला अच्छा कर दिया, वो परमेश्वर में पुराने होंगे, उनको दशवांश देने का शौक ही नहीं है, उनको दशवांश देना ही नहीं है, वो भूल गए कि दशवांश भी कुछ होता है। जब चर्च में हर संडे पास्टर बोलते हैं या ऑफरिंग में बोलते हैं या प्रचार में बोलते हैं, उनके ऊपर से निकल रहा है, वो विपत्ति को बुला रहे हैं, वो आपदा को बुला रहे हैं, वो समस्याओं को बुला रहे हैं। मैंने 2021 में कोविड टाइम पे, कोरोना के टाइम पे कह दिया था कि ये जो वैक्सीनेशन हो रही है, इसका तीसरा साल खत्म होते ही इसका नेगेटिव इंपैक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। आज माहौल देखो, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। 2020 में भी मैंने कहा, 2021 में भी मैंने कहा था, आप किसी ऐसे वैसे परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हो। वो परमेश्वर वर्तमान में जो है वो भविष्य को जानता है। आप किसी ऐसे वैसे मिनिस्ट्री सेवकाई चर्च में नहीं आते, आप जीवित प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में हो। आपको आने वाले समय के बारे में पहले ही चिताया जा रहा है, जैसे परमेश्वर ने नूह को चिताया कि तू अपना जहाज बना, आपको सालों पहले चिताया जाता है, आपको कहा जा रहा है अपना जीवन धार्मिकता का बना लो। बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। साल की शुरुआत में मैं सारे साल की भविष्यवाणियां देता हूं या नहीं देता हूं, किस किस को याद है, साल के दूसरे तीसरे चौथे पांचवें महीने में सब पूरी हुई है या नहीं हुई है, इस साल की देख लो जाके, जो 10 प्रोफेसीज की है उसमें से 5 पूरी भी हो गई है। और अभी इलेक्शंस आ गए हैं, मैंने क्या कहा था कि इस देश के अंदर ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस
दुनिया के कोने कोने में ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस, रोबोटिक फीचरिंग हर क्षेत्र में पाई जाएगी। कहा तय नहीं कहा गया था, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं और जो अभी वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री है उसका क्या ऐलान है कि इंडिया होएगा वो ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस का हब, इंडिया को बनाया जाएगा। जो मैं बता रहा हूं आने वाले समय में वो आपको होता दिख रहा है और आगे होता हुआ दिखेगा। आपको चिताया जा रहा है कि आने वाला समय अंधकार का है उन लोग के लिए जो परमेश्वर में धर्मी नहीं है। तो आप नूह के समान अगर चिताए जा रहे हैं वो बच गया, आपको भी चिताया जा रहा है आप भी बचाए जाएंगे, पर आपको धर्मी बनना पड़ेगा क्योंकि यहोवा की आंखें किसकी ओर लगती हैं? बोलो, यहोवा की आंखें कहां लगती हैं? उसके कान उन्हीं की ओर हैं, उन्हीं के मुंह की विनती निवेदन प्रार्थना मन की इच्छाओं के लिए लगे रहते हैं। देखो, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। बुराई क्या? अरे इस दुनिया में होने वाली बुराइयां, इस दुनिया में होने वाले गलत काम, जो लोग वो बुरे काम गलत काम करते हैं यहोवा उनके विमुख है, यानी कि उनके अंगेंस्ट है। परमेश्वर उनके विरोध में है, परमेश्वर उनके खिलाफ है, पर जो धर्मी है परमेश्वर उसकी ओर है, जो धर्मी है यहोवा परमेश्वर उसके साथ है। पर लिखे हैं वो बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। और ऐसा हुआ था या नहीं नूह के टाइम पे? जो बुरे कामों में थे वो मिटाए गए या नहीं मिटाए गए? जो धर्मी था वो बचाया गया नहीं बचाया गया? बोलो। तो अब भी वचन वही है, परमेश्वर वही है, उसकी व्यवस्था, उसकी विधियां, उसके नियम, बाइबल, वचन, शब्द, वाणी, वचन वो ही है, वर्ड वो ही है। जो धर्मी होगा यहोवा उसकी ओर होगा, जो बुराई में होगा अंधकार में होगा यहोवा उसके विमुख होएगा ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिट जाए। इसलिए धर्मी के लिए कहा क्या बोला गया है कि मृत्यु तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, तुम्हें अनंत जीवन मिल गया है। मृत्यु और आने वाले इस मृत्यु के बाद नरक उनके लिए है जो यहोवा को नहीं मानते हैं। वो मिटेंगे पर हम जिएंगे। आगे लिखा है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। अब ध्यान से सुनो, धर्मी लोग जो हैं जब उनके जीवन में परमेश्वर और बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है, परमेश्वर उस आने वाली ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर उनको तैयार कर देता है। बोलो हालेलुया। किस किस को समझ आ रहा है जी? अब परमेश्वर ने नूह को उन सारे लोग के सामने उनके मिटते हुए समय में विद्वान समझदार दिखाना था, यहोवा ने दिखाया। और सुनो, अब पृथ्वी पर उस समय पे ऐसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि क्राफ्टेड घर होए, बिल्डिंग्स होए, कार्स होए, हेलीकॉप्टर होए, जहाज होए। तब क्या थे? ये भेड़ बकरियां बैल यही सब था। आज जिनके पास ये चीजें हैं वो अमीर लोगों में गिने नहीं जाते। जिस पास एक कोई अगर छोटी कार भी है वो उनसे ज्यादा अमीर गिना जाएगा, पर तब ऐसा नहीं था। अब देखो, नूह को जो सिर्फ धर्मी था उसको धर्मी और धनी भी कैसे बना दिया परमेश्वर ने। अब देखो, पृथ्वी पर कोई और बचा तो सारी पृथ्वी किसके हाथ में आ गई थी? जल पर ले गए बाद 150 दिन के बाद वो नूह और उसका घराना ही तो रह गया था पृथ्वी पे। किसका कब्जा आ गया था सारी पृथ्वी पर? फिर नूह का। जो सारे परमेश्वर ने जोड़े बनवा के उसके साथ जहाज में डाले थे वो सारे किसके हाथ में आ गए? तो नूह धनी भी बन गया था। तो वैसे ही परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ब्लेसिंग देने से पहले परखेगा, परीक्षा आएगी, पर धर्मी की ओर फिर भी यहोवा रहता है।
धर्मी की फेवर में यहोवा फिर भी है, क्योंकि उसकी आंखें उसी पर है, उसके कान उसकी दोहाई की ओर है। और क्या लिखा है, धर्मी दोहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परीक्षा आती है, यहोवा विपत्ति आने देता है, पर जैसे ही धर्मी दोहाई देता है, यहोवा उनको छुड़ा भी लेता है। अरे यहोवा आपकी ओर है, जब आपको लगे कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम अपराइज हो रही है, कोई लग रहा प्रॉब्लम हो रही है, अभी प्रॉब्लम बन सकती है, आप उसको प्रॉब्लम नहीं मानेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला, उसको प्रॉब्लम नहीं मानना, यहोवा को कहना है, फिर भूल जाना है, क्योंकि यहोवा ने छुड़ा लेना है आपको। किस किस को समझ आ गया है कि धर्मी कैसा होता है, धर्मी जीवन कैसा है, राइचियस लाइफ कैसी है? आगे पढ़ते हैं, खोले आगे है अपनी बाइबल्स में, याकूब 2:21 पढ़ बेटा। याकूब में आओ, न्यू टेस्टामेंट में आ जाओ, इंग्लिश बाइबल में जेम्स लिखा है, हिंदी में याकूब, उसका 2:21 2:21। हाँ जी, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने अब्राहम को बेटा देने का वायदा किया था 75 की उम्र में, और जब अब्राहम को बेटा हुआ तब अब्राहम था 100 का, 25 परमेश्वर ने उसको परखा, 25 परमेश्वर ने उसके पेशेंस को चेक किया, धीरज को परखा, 25वें उसको बेटा दिया, कौन बोलो? इसहाक। जोर से बोलो, परमेश्वर ने जिसको ऊंचा करना है उसको उसके अगले लेवल की ब्लेसिंग से पहले, उसके जीवन में अगले पढ़ाव की आशीष से पहले दोबारा परख लेता है कि कहीं अभी भी तो डगमगाने वाला तो नहीं बन जाएगा, कहीं अभी भी तो ढीला मट्ठा ठंडा तो नहीं हो जाएगा। एक हाथ उठा के बोलो हालेलुया। और देखो, अभी तक ये वाला समा आने से पहले ही अब्राहम प्रॉफिट था और परमेश्वर उसके साथ चलता था, ये बाइबल में लिखा है। और क्या था, परमेश्वर ने अभी तक उसको अपना बेटा, अपना सेवक कहा, अपना दास का भविष्यद्वक्ता कहा, सब कुछ कहा, उसकी फेवर की, उसको ब्लेस किया, और बोलने के बाद 25 के बाद उसको बेटा फिर आखिरकार दे ही दिया, वो खुश हो गया। अब परमेश्वर उसकी उपाधि अपने राज्य में दुनिया में बढ़ाना चाहता है, तो परमेश्वर उसको चेक करेगा या नहीं करेगा, बोलो? देखो, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा? एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि सुन, उठ खड़ा हो, अपने बेटे को ले जा पर्वत पे और जाके मेरे लिए उसको बलि चढ़ा दे। अब्राहम ने अगला थॉट नहीं आने दिया माइंड में, क्यों? क्योंकि वो कौन था? धर्मी। उसने अपने बेटे को साथ लिया, पर्वत पे ले गया, चढ़ गया, और सोचो उसने अपने बच्चे को भी ऐसी बातें सिखाई हुई थी। ये रास्ते में आज किसी का कोई बेटा हो ना, सिर्फ 12 का भी अगर हो जाए, 12 का बेटा छोटा होता है, पर आज के समय में 12 का बच्चा अपने आप को घर का मालिक बनने लग जाता है, होता है नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप ने सख्ताई नहीं रखी, स्ट्रिक्टनेस नहीं की। इसहाक जवान हो चुका था और अब तो बच्चे ढीले मट्ठे से होते हैं, दुबले पतले भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, तब सिर्फ बलवान होते थे, अब वो तो बुजुर्ग था। अब समझ लो, अगर 100 की उम्र में उसको बेटा हुआ, अब वो 125 का हो गया होगा। अब अगर उसने अपने बेटे को धार्मिकता ना सिखाई होती, जैसे उसका बेटा बेटे के पास जाता अब्राहम, वो सवेरे 5 उठ बेटा तेरी बलि चढ़ानी है, उसने अब्राहम की बलि दे देनी थी फिर, समझ रहे हैं? अब आज के समय जब पिता जाता है अपने बच्चे को, बोलते हैं जा बेटा उठ, सवेर होगी दूध ले आ, और बोलते हैं तुसी जाके आप ही ले आओ भाई, मैं केड़ा पीना। जब पिता अपने बेटे को बोलता है जा बेटा रिश्तेदार आ रहे हैं, घर के लिए सामान ले आ,
बेटा पैसे ले जाता है, सामान नहीं लेके आता, खुद भी फरार हो जाता है। आज के समय में बच्चे बिगड़ रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको सही सिखाया नहीं। अब आपकी मदद सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। आपके पास अगर सारा कुछ अच्छा है, आप जानते हो आपके बच्चों को कब क्या कहना है, कब कैसे फटकारना है, कब उन पे क्रोध करना है, कब उनको प्यार करना है, कब उनको क्या देना है, क्या नहीं देना है, कहाँ जाने देना है, कहाँ नहीं जाने देना है। अगर ये सारा कुछ सही समय पे नहीं होता, फिर बाद में फिर बच्चा सुनता भी नहीं है। सुन रहे हैं कि नहीं? मेरे घर पे सारा कुछ है शुरू से, समझ रहे हैं? मेरी 10th भी हो गई थी, चंडीगढ़ के नामी स्कूल में मुझे पढ़ाया गया, मेरे पेरेंट्स ने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, टॉप 10 स्कूल्स में। और मेरे साथ में पढ़ने वाले लोग अपने अपने फोन मोबाइल ले गया तेरे स्कूलों में छुपा गए। एक दिन मैं मम्मी का ले गया था, वो जब्त कर लिया स्कूल वाले, 2 महीने बाद मिला था दिखावे के लिए। और उस वक्त भी मुझे फोन मोबाइल 10 दिलाए जा सकते थे। मेरे को कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाके फोन दिया मेरे पिता ने। सुन रहे हैं आप? बोलो हालेलुया। और अब स्कूल जाने से, छठी क्लास का बच्चा स्कूल जाने से पहले इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे पहले स्ट्रीक स्टोरी पाएगा, समझ रहे हैं? वो पिता बेचारा कुछ कह तो सकता नहीं, वो भी फोटो खिंचा के कहता है हूँ स्कूल चला जा। ये क्या हो गया? ये मतलब माहौल खराब हो गया। ये बात तो मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको लगे ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं? प्रूफ है मेरे पास अभी, राइट नाउ प्रूफ है। जब मेरे को फोन मोबाइल की जरूरत पड़ती थी किसी बाहर जाने के लिए, किसी स्कूल की आउटिंग के लिए या किसी काम के लिए, मुझे फोन दे देते थे थोड़े थोड़े समय के लिए। कई बार कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ जरूरी चाहिए होता था, गिदोन बैठे या इनसे पूछ रहे, इनके फोन का सिम निकाल के अपने उस फोन में डाल के लेके जाता था, या इनका ही फोन ले जाता था। आज से 10 साल पहले की बात है, पूछ लो ऐसा होता था कि नहीं? इधर इधर आके बताओ ना, इधर से तो बोलेगी तूने आंख मार दी होगी, था कि नहीं? वो इनका आइडिया वाला सिम वो मैंने उस टाइम पे लिया 2012-13 में, 2-3 साल चला, कई बार तो रिचार्ज भी यही करवाया करते थे। ऐसी सगताई में पालन पोषण हुआ। अपने बच्चों को प्यार करो, उनको वचन भी सिखाओ, समझ रहे? अपने बच्चों को प्यार भी करो, उनको वचन भी सिखाओ। अब अब्राहम अकेला इस परीक्षा को पूरा थोड़ी कर सकता था, उसके बेटे के साथ की जरूरत थी। अब अगर उसने अपने बेटे को पहले ना सिखाया होता तो ना अब्राहम आशीषित होता, ना उसका आगे आने वाले समय में उसका घराना होता। उसने अपने बेटे को धार्मिकता सिखाई थी, इसलिए उसका बेटा उसके साथ पर्वत पर चला गया, उसको उसने वहां बांधा, उसका घात करने वाला था। उसी वक्त परमेश्वर की आवाज आई के अब्राहम उसकी हानि ना कर, वो देख झाड़ियों में बलि के लिए एक मेमना तैयार है। इन द एंड जब अभी घात होने वाला है उस टाइम रोका। तो मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर सबको परखेगा किसी भी रूप से। और इस बात की वजह से क्या हुआ, देखो कह रहे कि पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा? कह रहा उसके कर्मों ने उसको धर्मी बनाया, बैठे बैठे से होने से धर्मी नहीं बना। उसको जैसा कहा परमेश्वर वैसा, उसको जैसा कहता था वो वैसा करता था। आज हम लोग घर में बैठ के धार्मिकता में नहीं आ सकते, हम घर बैठे बैठे धर्मी नहीं बनेंगे। सुन रहे हैं? हम घर बैठे बैठे धर्मी नहीं बन सकते, हमको उठना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने परमेश्वर पे विश्वास को, भरोसे को दृढ़ करना पड़ेगा, अपनी बुरी आदतों को त्यागना पड़ेगा, बुरी संगत को त्यागना पड़ेगा। उठ के चर्च में
आना पड़ेगा। अब्राहम के समान अगर आशीषित हो रहे हैं फिर और बीज भी बोना पड़ेगा। कर्मों से धर्मी ठहरोगे, बैठने से, सुस्ती से, आलस से, नजरअंदाज करने से परमेश्वर की फेवर को खो दोगे। अब यहां बैठे हैं इतने सारे जवान बच्चे, एक हाथ उठा के बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। अभी मैं यहां पे बता रहा हूं 70% लोग सो रहे हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूं 70%, 70% लोग सो रहे हैं, और उन 70% के अंदर 60% जवान बच्चे जो चर्च के, वो सब सो रहे हैं। क्यों? उनसे पूछो हाँ जी तुसी चर्च नहीं आते लगातार, या आते नहीं? अस बैठा नहीं जाता साढ़े तो, कहते साढ़े तो बैठा नहीं जाता, साढ़ा जी नहीं लगता, सू नींद थक जाते, कमर टूट गई, कमर दुख गई, पैर दुख गए, घुटने टूट, ये नॉनसेंस है। आज कोई भी भेज दो, अभी कोई फलानी पिक्चर आई है, मूवी लगी है थिएटर में, अगर 4 घंटे की भी है टिकट लेंगे रात के 12 बजे वाली भी, 10 बजे जाएंगे, पहले घूमना है थोड़ा, रिफ्रेश होना है, क्योंकि फिर बैठना है लंबा, फिर 4 घंटे मूवी, सुबह सुबह तैयार हो जाएंगे 8 बजे, 9 बजे का शो है, 4-5 घंटे उनको बैठना इजी है, बाहर घूमना इजी है। जवान बच्चों के हालात माड़े हैं, खराब है, वो बर्बादी की ओर जा रहे हैं, बर्बाद होते अपने आप को देख रहे, वो बाकी दुनियावी जगहों पे बैठ लेंगे, चर्च में बैठा नहीं जाता, वचन सुना नहीं जाता। जवान बच्चों ध्यान से सुनो, इस हक के समान बनो जिसको परमेश्वर ने गैर मुल्क में, गैर लोगों के बीच में कहा है, एक ही साल में 100 गुना बढ़ा दिया था। इसहाक जो यहां अपने पिता का साथ दे रहा था, अपने जीवन में आने वाले समय में 100 गुना बढ़ाया गया था। आपका मन नहीं लगेगा, आपको मन लगाना पड़ेगा चर्च में आके, आराधना में। आपका मन नहीं लगेगा, आपको बैठ के वचन सुनना पड़ेगा। अगर अपने आप को नहीं बदला, आदत नहीं डाली, आप लोग आने वाले टाइम में तरक्की नहीं कर सकते हो। मेरी बात सुन लो, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरी चर्च में जो यूथ काम कर रहे हैं, लड़के जवान, कोई बर्बाद नहीं है, कोई रो नहीं रहा है, सब आशीषित है, सब फलवंत है। आपसे कुछ होता है नहीं होता है, आपका काम है, सबसे बड़ी सेवा है चर्च में आगे वचन सुनना। जवान बच्चे आज कान खोल के सुनो, या बच्चे जिनके यहां नहीं है उनको खुद बोल दो कि हमको धर्मी बनना है। बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। मैं कभी भी कहीं मूवी देखने नहीं गया, कभी नहीं मैं देखने जाता, मैं कहीं फालतू नहीं घूमता, मेरे कोई दोस्त मित्र नहीं है, मुझे शुरू से ये काम नहीं पसंद है। मेरे आसपास के लोग जाएं, कोई कभी टीम का भी चला गया या कोई जानकार चला गया, कोई भी बुलाने आ गया, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं कभी नहीं गया ना कभी जाता हूं। जवान बच्चे अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम परमेश्वर के साथ अगर देंगे, कुछ 4-5 साल की जवानी होती है बस, 20-21 साल से लेके 25-26 साल तक, ये टाइम या उसके बाद भी अगर किसी को लग रहा है जवान है, ये जो 10-11 साल जवानी के हैं, अगर ये परमेश्वर में नहीं दिए तो उसके बाद के सारे पूरे लंबे जीवन में पछतावा आएगा। परमेश्वर ने जवानों के लिए बोला, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, पर याद रख तुझे इस समय का लेखा देना पड़ेगा। ये जवानी परमेश्वर में दो, फिर देखो यही समा तुम्हारे आने लिए आने वाले समय में आशीष का कारण होगा, और आपके आसपास इतनी कोई तरक्की नहीं करेगा जितने परमेश्वर के लोग तरक्की करेंगे। बोलो हालेलुया। तो देखो कह रहा है, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कह रहे ये जो विश्वास है ये सिर्फ मुंह मन में नहीं होता, ये हर समय दिखाना होता है परमेश्वर में, परमेश्वर पे हर स्थिति परिस्थिति हालातों में अपना विश्वास सिद्ध करना ही धार्मिकता है। ये थोड़ी आज संडे को चर्च में आए हैं, यहां सत्संग है, सोमवार को किसी और गली गवांड शिरके में से किसी ने बुला लिया, किसी और सत्संग में चले गए,
कहीं और मत्था टेक लिया, कहीं और शीश झुका लिया, कहीं और बैठ के आ गए, घर पे बुला लिया किसी को, कोई उपाय कराने लग गए, कोई तंत्र विद्या करने लग गए, कोई करवाने लग गए। ये थोड़ी है संडे को आए, अभी तो संडे दूर है, कोई बात नहीं। टीवी में, फोन, मोबाइल में गंदी चीजें भी देख ली, गंदे सॉन्ग भी सुन लिए, शादी ब्याह में गए, दुनियावी सॉन्ग्स पे भी नाच लिए, झूम लिए, डांस कर लिया। ये क्या है? ये सब दुनियावी काम है। कर्मों के साथ विश्वास सिद्ध होता है। अब क्या है, देखो बहुत सारे लोग जो है यहां पे बैठे हैं, अभी जवान बच्चे जब ऐसी बात सुनते हैं कहते हैं अरे ये तो बड़े बोरिंग होते हैं, ये कैसे काम होते हैं चर्च में, कैसे कैसी लाइफ जीने को बोल रहे हैं, हम क्या कहीं भी ना जाए, कहीं भी ना कुछ करें। ऐसे जवान जो बच्चे हैं उनके मन में डाउट आता है, वो सवाल आता है, पर मैं जवाब दे दूं, ये ही वो टाइम है जो आपको बाद में याद आएगा, यही तो सीक्रेट है। शैतान आपकी आत्मिक आंखें खुलने नहीं देता, आपको ज्योति की ओर जाने नहीं देता, आपको अंधकार में फंसाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपको शौक लगे चर्च जाने का, वो नहीं चाहता आपको शौक लगे प्रार्थना करने का, वो चाहता आपको शौक लगे डिक्के डिचक नचने का, कहां पे, गैर मसीहों के साथ बुरी संगत में। वो चाहता है आपको शौक लगे नशे करने का, वो चाहता है आपको शौक लगे अपने घर में दादागिरी दिखाने का, घर में सारे शेर बनते हैं। मेरी बात सुनो, परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे, लाखों करोड़ों के अंदर आगे बढ़ोगे, आशीषित हो जाओगे, वचन में ताकत है। और देखो विश्वास सिद्ध हुआ करे, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। कह रहे जब उसने परमेश्वर की प्रतीति की, परमेश्वर की बात को माना, तो क्या हुआ, देखो कह रहे ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। उसने अब उसको बेटा नहीं, बेटी नहीं, कुछ नहीं, सीधा अपना मित्र का दर्जा दे दिया परमेश्वर ने। इसलिए आज जो अब्राहम है वो तीसरे स्वर्ग में मालिक बन के बैठा है और वो धरती पे सब मसीहों लोगों का पिता कहा गया है। इतनी बड़ी उपाधि, बड़े प्रॉफिट्स भी हुए, हनोक जिसको जीते जी परमेश्वर ने उठा लिया, एलिया जिसको जीते जी परमेश्वर ने उठा लिया, उनको भी अलग स्वर्ग की उपाधि नहीं है, पर अब्राहम के पास है। सुन रहे हैं कि नहीं? आइए आखिरी वचन, भजन संहिता 112:4 कह रहा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है, वह तो सदा अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा बना रहेगा। कह रहे जो सीधे लोग हैं उनके बीच में, उनके लिए अंधकार के बीच में भी ज्योति आ जाएगी। जो सीधाई से अब चल रहे परमेश्वर के पीछे, उनके अगर आसपास अंधकार होगा उनके लिए फिर भी उसमें से ज्योति चमकेगी, यानी कि परमेश्वर उनको सारी विपत्तियों से निकालता हुआ लेकर के जाएगा। कह रहे वो सदा अटल रहेगा, उस धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। कह रहा अगर वो जन जो अब धर्मी बन गया, अगर वो अपने इस जीवन में ऐसे ही परमेश्वर के वचन पे अटल रहेगा, उसका स्मरण यहोवा रखेगा, यानी कि परमेश्वर उसको कभी नहीं भूलता है। तो अगर वो भूल नहीं रहे, वो तरफदारी ही कर रहा है, सुन रहे हैं? कह रहे वे बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। कह रहे वो बैड न्यूज से कभी नहीं डरता, बुरे समाचार से कभी नहीं डरता, धमकियों से कभी नहीं डरता, विपत्तियों से कभी नहीं डरता, क्योंकि उसका यहोवा, उस परमेश्वर, उसका जो भरोसा उस यहोवा परमेश्वर पर टिका हुआ है। वो स्थिर रखता, अपने मन को स्थिर रखना सीखो। कह रहा बुरे समाचार से डरता ही नहीं, क्योंकि उसका मन जो है यहोवा पे भरोसा रखने से स्थिर है। आपको ऐसा बनना है। कह रहा उसका हृदय संभला हुआ है, वो नहीं डरेगा, अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। कह रहा उसका मन उस परमेश्वर पे भरोसा रखने में ऐसा मजबूती से बना हुआ है कि वो कभी डगमगाता नहीं है,
वो डरता नहीं है, कह रहा है वो अपने विरोधियों के ऊपर, द्रोहियों के ऊपर दृष्टि करके संतुष्ट होता है, क्योंकि उसको पता है अगर आज मेरे आगे परीक्षा है अब मेरी एक बड़ी ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है। तो ये जो जीवन, ऐसा जो जीवन जीते हैं वो धर्मी जीवन कहलाता है, राइचियस लाइफ कहलाता है। आज यहां बैठे हैं बच्चे, बड़े, जवान, अधेड़, बुजुर्ग, सब आज से धर्मी बनो। परमेश्वर बड़ी आशीष देता है धर्मी लोगों को, उसकी आंखें लगी रहती है उनके ऊपर, उनके कान लगे रहते हैं उनकी दुहाई की ओर। परमेश्वर जी के कान अब हमारे दुहाइयों की ओर, प्रार्थनाओं, विनती, निवेदन, मुंह की बातों की ओर, मन की इच्छाओं की ओर लगे हैं, वो सब पूरा करेगा। आपका काम है उसके पीछे सिधाई से चलना होगा। आमेन। सब तैयार हैं?